शायद सिकंदर इतिहास का पहला राजा था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वह ग्रीस से मिस्र, सीरिया, बैक्ट्रिया, ईरान, अफगानिस्तान और वर्तमान पाकिस्तान को जीतता हुआ व्यास नदी तक आ पहुंचा। सिकंदर के विजयी अभियान के दौरान उसके इतिहासकार उसके साथ रहते थे जो उसकी सफलताओं को लिखा करते थे और शायद वो उसकी सफलताओं को बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे, अत्याचारों को छुपा देते और हारों को जीत में बदल कर लिख देते थे। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में ग्रीक के मकदूनिया यानी मैसेडोनिया में हुआ था। उसका पिता फिलिप मकदूनिया का राजा था जिसने कई शादियां की थी। 336 ईस्वी पूर्व में सिकंदर जब 19-20 साल का रहा होगा तो उसके पिता फिलिप की हत्या कर दी गई। ऐसा भी कहा जाता है कि सिकंदर की मां ओलंपिया ने ही जहर देकर अपने पति की हत्या करवाई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर ने राजगद्दी पाने के लिए अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल कर दिया और मकदूनिया का राजा बन गया। सिकंदर का गुरु अरस्तु था जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और महान दार्शनिक था। अरस्तु के महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी दर्शनशास्त्र, गणित, विज्ञान और मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं अरस्तु के विचारों या वैज्ञानिक अनुभवों का उल्लेख ज़रूर होता है, भले ही एकाध लाइन में हो। सिकंदर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निखारने का काम अरस्तु ने ही किया था। कई इतिहासकार मानते हैं कि वह अरस्तु ही था जिसने सिकंदर के मन में पूरी दुनिया जीतने का सपना जगाया था। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिकंदर के विजयी अभियान के दौरान अरस्तु का भतीजा क्लास्थनीज भी एक सेनापति के रूप में उसके साथ गया था। सिकंदर ने सबसे पहले मकदूनिया के आसपास के राज्यों को जीतना शुरू किया। मकदूनिया के आसपास के राज्यों को जीतने के बाद उसने एशिया माइनर यानी आधुनिक तुर्की की तरफ कूच किया। तुर्की के बाद एक दो छोटे राज्यों को छोड़कर विशाल फारसी साम्राज्य था। फारसी साम्राज्य मिस्र, ईरान से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक फैला था। आपको बता दें कि फारस साम्राज्य सिकंदर के अपने साम्राज्य से कोई 40 गुना ज़्यादा बड़ा था। फारसी साम्राज्य का राजा शाहदारा था जिसे सिकंदर ने अलग अलग 3 युद्ध में हरा कर उसके साम्राज्य को जीत लिया था, लेकिन शाहदारा ने सिकंदर से संधि कर ली और अपनी एक पुत्री रुखसाना का विवाह उससे कर दिया। फारसी साम्राज्य जीतने में सिकंदर को करीब 10 साल लग गए। विजय के बाद उसने बहुत भव्य जुलूस निकाला और अपने आप को विश्व विजेता कहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि फारस को जीतकर वह उस तमाम भूमि के 60% हिस्से को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों की थी। भारत तक पहुँचते पहुँचते उसे शाहदारा के अलावा छोटे छोटे राज्यों, सूबेदारों और कबीलों से भी युद्ध करना पड़ा जिसमें उसकी जीत हुई। यह सिकंदर की योग्यता का ही परिणाम था कि उसकी छोटी सी सेना बड़ी बड़ी सेनाओं को मात दे दिया करती थी। सिकंदर की युद्ध रणनीतियों का आज भी यूरोप की किताबों में पढ़ाया जाता है। सिकंदर के पत्थर और आग के गोले फेंकने वाले गुलेलनुमा बड़े बड़े हथियार और उसके सैनिकों की लंबी लंबी ढालें युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाती थी। कई ऐसे मौक़ों पर जब सिकंदर की सेना युद्ध में कमज़ोर पड़ती दिखती तो सिकंदर खुद आगे होकर लड़ता जिससे उसकी सेना का मनोबल बढ़ जाता था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में हमला किया था। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बटा हुआ था। राज्यों में राजा शासन करते थे और गणराज्यों के मुखी गणपति होते थे जो प्रजा की इच्छा के अनुसार ही फैसले लेते थे। भारत में सिकंदर का सामना सबसे अधिक तक्षशिला के राजकुमार अंबी से हुआ था। अंबी ने शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर को सहायता दी। सिकंदर अंबी द्वारा भेंट की गई दौलत को देखकर दंग रह गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर भारत के एक छोटे से राज्य के पास इतनी धन संपदा है तो पूरे भारत में कितनी होगी। भारत की धन संपदा देखकर उसे भारत जीतने की इच्छा और बढ़ गई। तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य चाणक्य ने भारत पर किसी विदेशी का हमला देखा ना गया। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से सिकंदर के विरुद्ध लड़ने का आग्रह किया, लेकिन सभी राजा अपनी आपसी दुश्मनी की वजह से एक साथ ना आए। चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राज्य मगध के राजा धनानंद से भी गुहार लगाई, लेकिन उसने चाणक्य का अपमान कर महल से निकाल दिया। इसके बाद चाणक्य ने गणराज्यों से एक होने की अपील की जिसमें वह काफ़ी हद तक सफल रहे। इन गणराज्यों ने वापसी के समय सिकंदर को बहुत नुकसान पहुंचाया था।
सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध झेलम नदी के तट पर राजा पुरु या पुरस से हुआ। इस युद्ध को पितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पेस का युद्ध कहा जाता है। महाराजा पुरु सिंह पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। सिकंदर की सेना को झेलम नदी पार करके पोरस से युद्ध करना था, लेकिन बारिश के मौसम के कारण नदी में बाढ़ आई हुई थी और नदी को पार करना मुश्किल हुआ। पर रात में किसी तरह यवन सेना नदी के पार पहुंची। नदी के उस पार राजा पुरु भी 30,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवारों, 300 रथों और 200 हाथियों के साथ सिकंदर के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। सिकंदर ने महाराज पोरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें पोरस को अधीनता स्वीकार करने को कहा, पर पोरस ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। राजा पुरु जी से स्वयं यवन 7 फुट से ऊपर का बताते हैं अपनी शक्तिशाली सेना के साथ यवन सेना पर टूट पड़े। पोरस के हाथियों ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया उससे सिकंदर और यवन घबरा गए। युद्ध के पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। इस युद्ध में सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया। सिकंदर ने भी अनुभव किया कि वो पोरस को हरा नहीं सकेगा और लड़ाई जारी रख के अपना ही नुकसान कर लेगा, अतः उसने पोरस को युद्ध रोकने का प्रस्ताव भेजा जिसे पोरस ने मान लिया। दोनों पक्षों में संधि हुई कि जिसके अनुसार पोरस सिकंदर को आगे आने वाले युद्ध अभियानों में सहायता करेगा और बदले में जीते हुए राज्यों पर पोरस शासन करेगा। पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर की सेना छोटे हिंदू गणराज्यों से भिड़ी। इसमें कट गणराज्य के साथ हुई लड़ाई काफ़ी बड़ी। कट जाति के लोग, जिन्हें कथयोई या कथा जाति भी कहा गया है, अपने साहस के लिए सर्वप्रसिद्ध थी। कठों ने एक बार तो यवनों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन कम संख्या के कारण उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। वह एक अत्यंत अत्याचारी और शराबी व्यक्ति था। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल के लिए तड़पा तड़पा कर मार डाला था। एक बार किसी छोटी सी बात पर उसने अपने सबसे करीबी मित्र क्लीटोस को मार डाला, अपने पिता के मित्र परमिनियन को भी मरवा दिया। उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे क्लास्थनीज को भी मारने में कोई संकोच नहीं किया। प्रसिद्ध इतिहासकार एरियर लिखते हैं, जब बैक्ट्रिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया, तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और नाक कान कटवा के बाद में हत्या करवा दी। क्या ऐसा क्रूर सिकंदर महान पोरस के प्रति उदार हो सकता था? अगर सिकंदर पोरस से जीतता होता तो क्या वह उन्हें उनका साम्राज्य वापस करता? लेकिन सच बात तो यह है कि सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को उसके चापलूस लेखकों ने उसकी जीत में बदल कर एक कहानी गढ़ दी और सिकंदर को महान करार दे दिया। अपने विश्व विजय के सपने को टूटने के बाद सिकंदर अत्यधिक शराब पीने लगा और उदास रहने लगा। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। जब वह बेबीलोन ईरान पहुँचा तो 323 ईस्वी पूर्व में 33 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का कारण मलेरिया बताया जाता है। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।